जी तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशंस और एनिमेशन लगाना सिखाऊंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन के टाइप के ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप लोग को जो भी सूटेबल ट्रांजिशन लगेगी वही आप लोग सिलेक्ट करें। ठीक है, अब सपोज मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली, तो देखें ये मेरी इस तरह से, जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरी इस तरह से ये स्लाइड जो है आएगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्लाइड के ऊपर जो है वो एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास तीन तरह की एनिमेशन होती है, एक एंट्रेंस, एक एम्फेसिस, एक एग्जिट और एक कस्टम एनिमेशन। एंट्रेंस की एनिमेशन वो होती है कि जब उसका नंबर आता है, जब जिस चीज के ऊपर आपने एनिमेशन लगाई होती है तब वो जो है स्क्रीन पे अपियर होती है, मतलब तब वो स्क्रीन पे एंटर होती है। ठीक, दूसरा जो मैंने आपको बताया कि एम्फेसिस वाली, एम्फेसिस वाली मतलब ये कि जब वो ऑलरेडी स्क्रीन पे मौजूद होती है, वो ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी स्क्रीन पे मौजूद होता है, लेकिन जब उसकी एनिमेशन का नंबर आता है तब वो अपनी एनिमेशन देती है। ठीक है, और लास्ट वन जो मैंने आपको बताई, एग्जिट। एग्जिट नाम से जाहिर है कि एक चीज वापस जाने के लिए हम लोग जो एनिमेशन लगाते हैं वो हमारे पास एंट्रेंस की एनिमेशन कहलाती है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मैंने लगा दिया, अब मैं आप लोग को इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैं एक साथ जो है वो दो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लड़की, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चार ऑब्जेक्ट्स मैंने अलहदा अलहदा से जो है वो ले लिए। अब मैं यहाँ पे एंट्रेंस वाले पे जाऊंगा, यहाँ से मैं, मुझे जो भी सूटेबल लगेगी मैं वो वाली लगाऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट है, मैं यहाँ पे सपोज मैं फ्लाई इन लगाता हूँ। ठीक है, तो ये फ्लाई इन जो है लग चुकी है। अगर आप लोगों को इसको चेंज करना हो तो यहाँ से इसको मजे का चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये फ्लोट वाला लगाना चाह रहा हूँ, ये फ्लोट वाली इस लड़की के ऊपर फ्लोट लग चुकी है। उसके बाद ये यहाँ पे इस वाली के ऊपर जो है मैं ये वाली लगाना चाह रहा हूँ, ये यहाँ से मैं इसका इफेक्ट चेंज करूँ राइट। उसके बाद ये मिड वाला का नंबर है, मिड वाले के ऊपर जो है मैं ये शेप वाला लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी स्पीड जो है जरा सी कम है, स्लो है, तो मैं इसकी स्पीड जो है दूसरे के मुताबिक जो है बना देता हूँ। और लास्ट वन जो है उसके ऊपर मैं राइट साइड, लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड से यहाँ से एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब मैं इसको जरा फुल स्क्रीन पे ऑन करता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट एनिमेशन होगी तो ये इस तरह से आएगी, ये हो गई। देखें अब मैं जब क्लिक करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट्स जो है अपनी इतनी एनिमेशन जो है वो देंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि एंट्रेंस वाली ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन पे मौजूद नहीं होते, जब हम लोग, जब उसका नंबर आता है तभी वो आते हैं। तो देखें, ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारे एक दूसरे के बाद आए तो यहाँ से आप लोग आफ्टर प्रीवियस कर दें। ठीक है, ये हो गया आफ्टर प्रीवियस, ये वाला भी हो गया आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, ये वाला विद प्रीवियस था, मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। अब ये वाला भी मैं यहाँ से आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जरा लगाते हैं और ये देखें, ठीक हो गया। आफ्टर प्रीवियस मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे ही वो दूसरी लास्ट वाली एनिमेशन हो जाए तो उसकी फौरन बाद ये वाली एनिमेशन आ जाए। ठीक है, उसके बाद में ये वाली, ये जो हमारे पास ये जो शेप बनी हुई है इसके ऊपर मैं एनिमेशन देना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर सपोज मैं जूम वाली एनिमेशन जो है ये देना चाह रहा हूँ, और इसको भी मैं आफ्टर प्रीवियस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो अपीयर हो जाए। तो ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आप क्या, कौन सी एनिमेशन देना चाह रहे हैं, सपोज मैं ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर ये वाली एनिमेशन देना चाह रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। यहाँ से मैं इसको भी आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है लाइव ऑनलाइन कोर्सेज के साथ ही लेट्स लर्न एंड अर्न जो है ये आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है एनिमेशन को सिलेक्ट करना है। सपोज मैं ये वाली जो है एनिमेशन सिलेक्ट करता हूँ, अब इसका टाइम जो है थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तब कि स्लो है, और इसको विद प्रीवियस कर देता हूँ, यहाँ से विद प्रीवियस कर दिया।
ठीक है, अब जितनी एनिमेशन हम लोगों ने, चले हम लोग ये यहाँ तक एनिमेशन कर देते हैं, मजीद फिर हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर जो है इसके ऊपर मैं एनिमेशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोर एंट्रेंस पे जाएं, आप लोग वहां से भी दे सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर ये स्पिनर वाली आ जाए, ठीक है। तो स्पिनर वाली लग गई, ठीक है। अब इसको भी, इसकी स्पीड में जरा सी कम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कम कर दी, अब यहाँ से मैं आफ्टर रिवीज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लेट्स लर्न एंड अर्न है, इसके ऊपर मैं एनिमेशन देना चाह रहा हूँ, एम्फेसिस पे गेम। यहाँ पे इसको जरा साइड पे करते हैं, तब के हमें नजर आए कि कैसी ये एनिमेशन लगेगी। सपोज में ये कुछ मजे की नहीं है, ये वाली एनिमेशन देते हैं, ठीक है। इसको भी मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में ये लाइव ऑनलाइन कोर्सेज है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं फ्लाई इन दे देता हूँ, और फ्लाई इन में से मैं ये वाला दे देता हूँ जी, ये वाला, ठीक है। और इसको मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। तो अभी मैं आप लोग के सामने इसको फुल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ और स्टार्ट से हम लोग रन करते हैं। ये देखिए, जिन जिन चीजों के ऊपर हम लोगों ने एनिमेशन दी हुई थी वो एनिमेट हो रही है, ठीक है। अब रह गया ये चीज रह गई, और ये रह गया, ये रह गया, और ये जो लिखाई है ये रह गई, इसके ऊपर हम लोगों ने एनिमेशन जो है वो नहीं दी। तो अब मैं इनके ऊपर भी एनिमेशन दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी पहले से स्क्रीन पे मौजूद हो, लेकिन जब इसका नंबर आए तो ये क्या हो, ये कलर प्लस हो, मतलब बल्कि ये मजे का नहीं है। इसको मैं ये एम्फेसिस वाला लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एम्फेसिस वाला। सॉरी 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 सॉरी, मैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू सिलेक्ट दिस, और फिर आप लोग यहाँ से इसको दे दीजिए एनिमेशन। ये भी कुछ मजे का नहीं है, मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। अगेन एम्फेसिस में से ही कोई लगाएंगे, ठीक है। ये भी कुछ मजे का नहीं है, अब एम्फेसिस में से ऐसा क्या लगाया जाए कि रुके स्टूडेंट्स, ये लाइन आ रही है कुछ मजे का नहीं है। ये मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको पल्स दूंगा जी, ये वाला। सॉरी, ऑब्जेक्ट दूसरा सिलेक्ट हो जाता है इसलिए एनिमेशन प्रॉपर नहीं लग पाती। यहाँ पे मैं इसके वो पल्स दे देता हूँ, ठीक है। अब ये वाली एनिमेशन मैंने इसको दे दी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये आफ्टर प्रीवियस हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि ये वाली एनिमेशन जो है 3 मरतबा रिपीट हो। तो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑप्शन राइट क्लिक किया, यहाँ पे एनिमेशन पेन पे, यहाँ से इफेक्ट्स ऑप्शन पे जाएं, यहाँ से टाइमिंग पे जाएं, यहाँ से रिपीट है तो रिपीट आप लोग 3 टाइम्स कर दें, ठीक है, ओके कर दें, ठीक है। ये 3 टाइम आपकी रिपीट होगी। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये जी किधर है, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा आ जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज वाइप वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वाइप में राइट साइड पे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला, ये बैच 4 आ जाए, बैच 4 आ जाए जी, बैच 4 आ जाए जी, आ जाए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर भी मैं फ्लोट वाला ही दूंगा, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे देखें माउस बना हुआ आ रहा है, मतलब ये कि ये माउस से होगा, मैं इसको आफ्टर प्रीवियस कर दूंगा, ठीक है। और ये वाला जो है इसको भी आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। और इसको जो है मैं विद प्रीवियस कर दूंगा, मतलब पिछले वाले के समेत आ जाए। तो अब हम लोग इसकी एनिमेशन जरा चेक करते हैं।
अब देखें वो ये वाली ऑब्जेक्ट जो थी ऑलरेडी स्क्रीन पे मौजूद थी, अब लेकिन जिसका जब इसका नंबर आएगा तो ये अपनी एनिमेशन देगा। ये देखें इसने अपनी एनिमेशन दे दी। इसके ऊपर हम लोगों ने एम्फेसिस वाली लगाई थी, कौन सी वाली? एम्फेसिस वाली। अच्छा जी ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी जो है मैं दे दूँ, इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग इसको दे दीजिए एनिमेशन। अब यहाँ पे मैं इसको आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया आफ्टर प्रीवियस। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ वी ऑफर आ जाए, वी ऑफर आ गया जी, आ गया। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इस एडिटिंग प्रो के ऊपर भी मैं फ्लाइंग वाला लगा रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये राइट साइड से, लेफ्ट साइड से हमारी स्क्रीन में दाखिल हो, तो यहाँ पे ये वाली मैंने लगा दी, ठीक शू। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से ये वाला और इसको मैं आफ्टर पीवीएस कर देता हूँ। यहाँ से इसका जो इफेक्ट है मैं यहाँ से ये राइट साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक यहाँ से फ्लाइंग वाला कर लेता हूँ और इसको मैं लेफ्ट साइड से कर देता हूँ, ठीक है, कि मैं चाह रहा हूँ कि ये लेफ्ट साइड से हमारी स्क्रीन में इंटर हो, ठीक है। और ये लास्ट वन जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारे पास फ्लाई इन हो, लेकिन ये राइट साइड से हमारी स्क्रीन में अपियर हो, तो ये राइट साइड से आ गया। अब मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं कि मच मोर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मच मोर कोर्सेस को एक साथ हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर मैं फ्लोट वाली दे दूँ, ठीक है, फ्लोट वाली दे दी। अब यहाँ से मैं इसको जी, यहाँ से मैं इसको आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आफ्टर प्रीवियस हो गई और नीचे वाली विद प्रीवियस ऑटोमेटिकली हो चुकी है। अच्छा अब ये वाली जो है, ये वाली मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारी स्क्रीन में फेड होके आए, ठीक है, ये आ गई। इसको मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं एक और एनिमेशन भी लगाऊंगा, ठीक है। एक और एनिमेशन में एम्फेसिस में से लगाऊंगा, एम्फेसिस में से मैं चाह रहा हूँ कि ये वेवी होके आए, ये इस तरह से, ये देखें ये होके आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास दो जो है वो इसकी 41 नंबर इसको इसने दिया है, तो इसके ऊपर इसने ये दो एनिमेशन जो है यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद मेंटोर 360 PK इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसके ऊपर कोई जो है एनिमेशन लगा देता हूँ, सपोज मैं इसके ऊपर बाउंस लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं स्पीड इसकी स्लो कर देता हूँ यहाँ से आफ्टर प्रीवियस। उसके बाद ये मोबाइल जो मैंने बनाया हुआ है और ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब इनमें से ही यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, जूम वाला लगा देते हैं, ठीक है, जूम लगा दिया। अब इस वाले को मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्लियर है जो जो मैं करवा रहा हूँ? आप लोगों को अगर क्लियर है तो रेस हैंड के ऊपर क्लिक कर दें। मिस पाकिजा आपने हाथ ऊपर नहीं किया, रेज हैंड नहीं किया, क्यों? आपको समझ नहीं? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, हरी अप। अच्छा जी अब हम लोग यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पे जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमारी एनिमेशन जो है लग चुकी है। ये देखें 1, ये देखें मैंने आप लोग के सामने ही लगाई है। अब एक एक चीज जो है हमारी स्क्रीन में अपीयर हो रही है।
ठीक हो गया। अब ये तो थी हमारे पास इंट्रेंस और एम्फेसिस वाली। इंट्रेंस एंड एम्फेसिस वाली मतलब ये कि हमारी इंट्रेंस वाली जो है ऑब्जेक्ट हमारी स्क्रीन में अपीयर होता है और एम्फेसिस वाली ऑलरेडी अपीयर होता है और जब उसका टाइम आता है वो अपनी एनिमेशन दे देते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर लगाया था, ये अपनी जब इसका टाइम आता है तो ये यहाँ पे ब्लिंक होती है, तो इसके ऊपर ये जो एम्फेसिस है इसका निशान ये है कि इसकी पहचान ये है कि ये येलो कलर में होता है और इंटरेस्ट वाली की पहचान ये है कि ये ग्रीन कलर में होता है। अब मैं चाहता हूँ कि जब अब ये जो है आराम आराम से ये सारी चीजें भी स्क्रीन से डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए आखिर में, ठीक है, तो उसके लिए मैं एग्जिट वाली लगाऊंगा। उसके लिए मैंने क्या करना है, जल्दी जल्दी से मैं अगर एक एक के ऊपर लगाता जाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इन सबको इकट्ठा जो है मतलब इकट्ठा इकट्ठा जो है वो मैं जो है वो सिलेक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये जी हो गया, सिलेक्शन हो गई। अब यहाँ से ऐड एनिमेशन पे गए, यहाँ से ये एग्जिट वाली है, कौन सी वाली है, एग्जिट वाली, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से एग्जिट कर। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको भी आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर भी जो है मैं एग्जिट वाला लगा देता हूँ, ये जूम वाला लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ से आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये लेडी है, बल्कि ये है रजिस्ट्रेशन वाला, इसको भी मैं यहाँ से मोर एग्जिट पे जाता हूँ, यहाँ से कोई भी लगा देते हैं, जी मैं ये वाला लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये वाला लगा के इसको आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है, और देन ये लेडी है इसको मैं सिलेक्ट करके एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, ये भी खत्म हो गई। अब उसके बाद रह क्या गया, अब हमारे पास ये लाइव ऑनलाइन कोर्सेज है, लेट्स लर्न एंड अर्न है, और क्या है जी, ये है रजिस्ट्रेशन है, बैच 4 है, इसको भी सिलेक्ट किया, ठीक हो गया। इन सब के ऊपर मैं कोई एग्जिट वाली कोई भी लगा देता हूँ जो सूटेबल लगे मुझे, सपोज मैं स्पिनर वाली लगा देता हूँ, ठीक है, अब इन सबको मैं यहाँ से आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है, हर एक के बाद जो है वो जाती जाएगी। उसके बाद ये कंप्यूटर हो गया, ये रह गया था, इसके ऊपर भी मैं लगा देता हूँ कोई, यहाँ से इसके ऊपर सपोज मैं ये विंगेट वाली लगा देती हूँ, ठीक है, कुछ मजे की नहीं, ये वाली लगा देते हैं, ठीक है, ये लगा दी, इसको भी मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद अर्न एंड लर्न, ये और ये दोनों, इनके ऊपर भी मैं एग्जिट वाली लगा देता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ये फ्लाई इन वाली जो है लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। तो अब हम लोग इसको जरा लगा के चेक करते हैं कि क्या होता है। अब देखिए एक एक करके गायब हो रहा है, ये एग्जिट वाली थी, ठीक है, अब आखिर में मेरी बिल्कुल स्क्रीन खाली रह गई, मैं चाह रहा हूँ कि आखिर में ये थैंक यू जो है ये अपीयर हो जाए मेरी स्क्रीन पे, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आ जाए मेरी स्क्रीन पे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसका साइज मैं इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए और इसको मैं जूम कर लूंगा, ठीक है, देन आप देखिएगा आखिर में ये हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो जाए।
अच्छा तो मिस बताएं जी, अगर आप लोगों को क्लियर है, अगर क्लियर है तो रेज हैंड के ऊपर क्लिक कर दें। हरी अप जल्दी से। आज मैंने मुकम्मल एनिमेशन के बारे में बताया, तो और मिस पाकिजा इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क, ठीक है। बहरहाल मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा आज के लेसन को, ठीक है। अब ये एनिमेशन है हमारे पास। अब मैं आप लोग को एक और एनिमेशन बता देता हूँ। गुड, अच्छा जी। अब मैं चाहता हूँ कि चले, ये मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, इसके ऊपर मैं एक एनिमेशन लगा रहे, तो कस्टम एनिमेशन, ठीक है। अब ये जो लास्ट में है मोशन पाथ, इस पे से आप लोग लगा दें। ये आर्क, ये देखिए लाइन है, अगर आप लाइन वाला लगाएंगे ये लाइन वाली लग जाएगी, ठीक है। ये मतलब लाइन जो है, अब आप लोग इस लाइन को जिस साइड पे मोड़ेंगे उसी साइड पे जो है वो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखिए अब अगर मैं इसको यहाँ से रन कर देता हूँ तो देखिए, ठीक है। मतलब आप लोग इसमें अपनी मर्जी के कस्टम जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद अगर आप लोग इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मोर मोशन पाथ पे जाते हैं, यहाँ पे सपोज ये हर्ट है, हर्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हर्ट की फॉर्म में जो है ये मूवमेंट करेगा। ये देखें, ये अगर ट्रायंगल की फॉर्म में, ये देखें, ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। हर्ट बीट की फॉर्म में ये जो है मूवमेंट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो थी बनी बनाई हमारे पास मोशन पाथ्स। अब अगर आप लोगों ने इस पे अपनी मर्जी की कोई कस्टम एनिमेशन लगानी हो तो यू कैन सिलेक्ट द कस्टम पाथ। अब आपके पास, अब आप जहां जहां पे अपना कर्सर को फेरेंगे वहां वहां पे आप लोग की एनिमेशन जो है वो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके रुक जाए, ठीक है। एंटर का बटन प्रेस कर दें तो देखें ये इस तरह से एनिमेशन लग चुकी है। लेकिन अब इसकी स्पीड जो है कुछ फास्ट थी, मैं इसकी स्पीड स्लो थी, हाँ फास्ट थी, तो मैं इसकी स्पीड जो है स्लो भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से जरा चेक करता हूँ कि क्या होगा। अब मैंने इसकी स्पीड स्लो कर ली है, देखिए जहाँ जहाँ पे मैं लेकर जा रहा था वैसे वैसे ही एंड पे जाके वो अपनी जगह पे रुक गया। तो ये थी हमारे पास लास्ट वाली एनिमेशन जो कि मैंने आप लोग को बता दी, कस्टम एनिमेशन, ठीक है, या मोशन पाथ एनिमेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर होगा और आज के लेक्चर की भी आप लोग को प्रैक्टिस करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है मैं इंशाल्लाह कल आप लोग को कवर अप करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। एंड नेक्स्ट वीक से आप लोगों का पावर पॉइंट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोगों का कल, आप लोगों ने इन टाइम आना है, कल मैंने लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करवाना है। अब आप लोग का एक टास्क है, आप लोग का टास्क ये है कि आप लोगों ने जो है खुद अपने लिए प्रेजेंटेशन बनाए और उसके ऊपर वर्क करें, ठीक है। ये आप लोग का अपना टास्क है, ठीक है। प्रेजेंटेशन कुछ भी बनाए, कुछ भी अपने माइंड में रखें और उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाए, ठीक है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।